कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो वार्ड्स हैं उनमें बेड्स के साथ साथ मिनी फ्रिज का जो है ये प्रबंध अम्बे सेवा ट्रस्ट समिति के द्वारा किया गया है। और ये जो मिनी फ्रिज की सुविधाएं जो पेशेंट्स आते हैं, जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनके साथ साथ ज़्यादातर हार्ट पेशेंट्स के डायबिटीज़ की भी शिकायत होती है और उनकी जो दवाएं होती हैं उनको निम्न टेम्परेचर पे संधारण करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये फैसिलिटी राजस्थान में मुझे लगता है कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहला जेएलएन हॉस्पिटल है जहाँ पे ये फैसिलिटी उपलब्ध होने जा रही है। और इसके लिए मैं हॉस्पिटल प्रबंधन और मुख्य रूप से जय अम्बे सेवा ट्रस्ट समिति की राजेश टंडन जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ कि इस फैसिलिटी के आ जाने से यहाँ पे जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं उनके काफ़ी उनका ख्याल रखने में, उनका ट्रीटमेंट बेहतर होने में काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। और इसके साथ साथ जेएलएन हॉस्पिटल में भी और बहुत सारी चीज़ों का जय अम्बे सेवा ट्रस्ट समिति के द्वारा पहले भी सुविधाएं दी जाती रही हैं, इनके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। और आने वाले समय में भी हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी चेंजेस जो नए निर्माण होने हैं, जो सुपर स्पेशलिटी विंग बनना है और स्मार्ट सिटी के अंदर जो कार्य होने हैं उसमें हॉस्पिटल प्रबंधन का भी काफ़ी सहयोग मिलता रहेगा। डॉक्टर्स के साथ हम लगातार इसकी बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं और आज जो ये कार्य हुआ है ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। मुख्य रूप से जो गांधी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है उसी में गांधी जी की जो वेदना थी, उनके जो दर्शन थे कि जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, रोगी हैं उनका हम सेवा करें, तो ये उनके विचारों के ऊपर भी एक बहुत ही अच्छा मतलब उदाहरण आज पेश किया गया है जय अम्बे सेवा ट्रस्ट समिति के द्वारा। और नवरात्र का अवसर भी है तो मैं इन सभी चीज़ों के लिए हॉस्पिटल प्रबंधन और जय अम्बे सेवा ट्रस्ट समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी आपके द्वारा ऐसा ही जो है उदाहरण पेश किया जाए। सबसे पहले तो मैं आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय का, जिलाधीश महोदय का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और हमारे साथ जुड़ करके आज इस समारोह में आए। हमें हमारी कमेटी को आशीर्वाद दिया माननीय प्रचार्य महोदय ने, सुप्रिंटेंडेंट साहब ने जिस तरह से हमें कहा था उनके आदेश की हमने पालना की है। और ये 16 जो फ्रिज हैं वो इनको आज मिनी फ्रिज जो है भेंट किए हैं। अस्पताल के साथ हम जुड़े रहते हैं, राजस्थान सरकार की जो नीति है उसकी मुख्यमंत्री जी की है कि चिकित्सा की जितनी सुविधाएं उन्होंने दे रखी हैं वो अपने आप में अद्भुत और अनुकरणीय है। इसी के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने सफाई का, स्वच्छ भारत का जो कर रखा है उसमें भी मतलब जो है अस्पताल के अधीक्षक महोदय ने एक सफाई का बीड़ा उठाया हुआ है। अजमेर की जो जेएलएन की ओपीडी है वो किसी भी प्राइवेट अस्पताल की ओपीडी से कहीं बेहतर है, उसमें कई सुविधाएं हैं और जितनी साफ सफाई वहाँ है शायद ही कहीं होगी। मैं अस्पताल के इस प्रबंधन का, क्योंकि जितनी अच्छी सेवाएं ये लोगों को यहाँ दे रहे हैं, ये अस्पताल जो है नागौर जिले को भी पूरा फीड करता है। ये अस्पताल अजमेर का ही नहीं है, नागौर जिले का भी अस्पताल है। मैं इसके लिए जो अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन है उसका आभार प्रकट करता हूँ। और आज हमने माननीय जिलाधीश महोदय की उपस्थिति में घोषणा की है कि आप जब भी कोई वेंटिलेटर इस अस्पताल का खराब हो आप तुरंत ठीक करा लीजिए, किसी की भी जान वेंटिलेटर के अभाव में नहीं जाए, हम उसके पैसे देंगे। आपके एसी जो हैं अस्पताल के वो हम मेंटेनेंस कर रहे हैं, अब हम वेंटिलेटरों की भी मेंटेनेंस करेंगे और हमें ये जब जब भी कोई भी आदेश देंगे उसकी हम पालना करने के लिए तत्पर रहते हैं। और आज जिलाधीश महोदय और एसपी महोदय ने जो हमें प्रेरणा दी है, हमारे बीच में आकर के हमारे एक सहयोगी बन करके इस शहर के हर समस्या से जैसे ये जुड़ते हैं, ये इस शहर को इन्होंने आत्मसात कर लिया है। अस्पताल में माताजी का यही संकल्प है कि जो भी मेरा साधक है वो किसी तरह दुख ना पाए, जो मुझे ध्याता है, जो मुझे याद करता है, जो मुझसे अरदास करता है उसकी हर अरदास पूरी हो, इसी संकल्प के तहत आज हमने ये 16 दिए हैं और 16 ही इनके वार्ड हैं। और ये राजस्थान का प्रथम अस्पताल हुआ कि जहाँ आईसीयू के जो अभी न्यू आईसीयू है उसमें 16 पलंग हैं और 16 ही फ्रिज दिए हैं। और इसके साथ ये जब भी कुछ और कहेंगे हम करते रहेंगे, पर वेंटिलेटरों वाली जो है आज मैंने सुबह ही माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से बात की थी, मैंने कहा साहब ये प्रेरणा हमको जो है ये मिली है
कि वेंटिलेटर जो है कभी भी ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब बिल्कुल आदमी सब तरफ से निराश होता है तो उसको वेंटिलेटर पर डाला जाता है। अगर वेंटिलेटर ही ख़राब है तो आप निश्चित समझो कि उसका जो है जीवन बहुत असुरक्षित है। उसके लिए हम बहुत बहुत मेहनत करके जो भी ये कहेंगे उसके लिए चाहे कहीं से भी मलाना पड़े, पर वेंटिलेटर जो है हम इनके ख़राब नहीं होने देंगे और उसमें प्राण रक्षा करेंगे। ये 2-3 भीलवाड़ा नागौर अजमेर का अस्पताल है, इसमें वहाँ के भी मरीज बराबर आते हैं, तो ये अजमेर वालों का दायित्व है कि वो जो मेहमान मरीज हैं।